स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अब तक आपने देखा कि गोइंकास मंदिर से लौटते वक्त कितने बड़े हादसे का शिकार हो गए, लेकिन कार्तिक और नायरा की सूझबूझ के चलते पूरा परिवार उस बस से सेफली बाहर निकल आया है। लेकिन अभी भी कुछ सदस्य हैं जो इस बस में बचे हुए हैं, जैसे कि नायरा, कार्तिक और मनीष। इन तीनों के साथ कायरव भी मौजूद है, क्योंकि वो अपनी मम्मा को छोड़ने के लिए तैयार है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कहानी में एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए। एक तरह से गोइंका परिवार का अंत बहुत नज़दीक है, क्योंकि शो में नायरा का दी एंड होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि नायरा इस परिवार की नींव है, और जब नींव ही इस परिवार की नहीं रहेगी तो बचेगा क्या। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब किस तरह से इस बड़ी मुसीबत से कार्तिक अपने पूरे परिवार को निकाल पाने में कामयाब होता है। साथ ही शो से जुड़ी एक नई और लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे दें कि ये शो बहुत जल्द जेनरेशन लीप लेगा। कहानी को एक नए सिरे से शुरू किया जाएगा। 18 साल बाद कार्तिक अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता नजर आएगा। तो इंतजार रहेगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले इन सभी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का। For all the latest serial updates, celebrity news and views, please subscribe Serial Khabri and hit the bell icon.